आदाब नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एचबी न्यूज़ में। आपको बता दूं, जैसे कि आज जुमे के दिन यार कलकत्ता के हर कोने कोने से जितने भी मुसलमान भाई हैं सब निकल रहे रास्ते में, या वो हावड़ा का शिवपुर हो या वो पार्क सर्कल 7 पॉइंट हो। तो जैसे कि निपुल शर्मा ने मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में एक विवादित बयान दिया, तो इस वक्त मेरे सामने में सलाम इंडिया फाउंडेशन के फाउंडर एंड सेक्रेटरी सरफराज खान साहब है। तो हम लोग उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये जो मामला चल रहा है ये क्या है। हमेशा से ही आपने ये देखते आए कि जब भी मैं आज का बात तो मैं बोल छोड़ देता हूँ, पहले मैं उन दिनों की बात करता हूँ कि जब बांग्लादेश में जब आपने देखा था कि वहाँ पर हिंदू के खिलाफ जब मंदिर में एक हमला किया गया था, वहाँ के मूर्ति को फेंका गया, तोड़ा गया, तब भी हम लोगों ने, मेरे जितने हिंदू भाई हैं सब लोग मिल के हम लोग एक प्रोटेस्ट किए थे। और आज आप देखें इस तरीके से, ये एक्चुअली नुपुल शर्मा तो है ही, तो उनके साथ साथ ये बीजेपी वाले जो हैं वो उनका मुंह उनका है लेकिन जो सोच है वो बीजेपी वाले, और इस तरीके से करके वो इतने मतलब बेहुदी मतलब ये काम की हैं कि मतलब उनको हम लोग अभी इसको ये कंडेम्ड करते हैं, निंदा करते हैं और चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनको आप सोचेंगे कि अगर बीजेपी से मैं वहाँ से अगर निकाल दूँ तो ये आप उनको सज़ा देना नहीं हुआ, हम लोग चाहते हैं उनको सज़ा देना, और सज़ा देना तब होगा कि जब आप उनको जेल करेंगे, उनको आपको एक सज़ा देना है। और मैं बहुत कंडेम्ड करता हूँ इसको। इसमें आज के प्रोटेस्ट में देखा गया है कि बहुत, जिससे कल जो डोमझूर मुझे देखा गया था, तमाम गाड़ियों को रोक दी गई थी, मगर आज के इस प्रोटेस्ट में हावड़ा हो खिदिरपुर या आप 7 पॉइंट क्रॉसिंग की बात करें तो उसमें एम्बुलेंस को बाजार सही तौर पर ले जाते देखा गया, बाकी दूसरी गाड़ियाँ रुकी रही। बार बार सरकार कह रही थी कि गाड़ियों को रोक करके आप प्रोटेस्ट ना करें, जिससे कल CM का बयान दिया। देखिए, कल का मैं इस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। हाँ, अगर आप प्रोटेस्ट करते हैं तो प्रोटेस्ट हमेशा ऐसा होना चाहिए कि जो भी आम इंसान, जो आदमी है, जो भी पब्लिक है, उनको किसी भी चीज़ की कोई भी तकलीफ ना हो, जो कि कल ऐसा हुआ, क्योंकि वो लोग मतलब बहुत सारे इस तरीके से जोश में आकर ऐसा कर दिए कि सुबह लगभग 8 से 9 घंटा किए, तो इस चीज़ का मैं सहमत बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। लेकिन आज अगर आप देखें, कल दीदी का बयान के बाद आप अगर देखें तो इस तरीके से आज हमारे जो हावड़ा में भी हम लोगों ने जो हमारे एक फेडरेशन है, मुस्लिम का एक फेडरेशन है, जो कि हम लोग 16 मस्जिद मिलकर एक फेडरेशन हम लोग बनाए हैं, तमाम मस्जिद के इमाम साहब सभी लोगों ने मिलकर एक प्रोटेस्ट बहुत शांत से बहुत पीसफुली एक प्रोटेस्ट करा हम लोगों ने हावड़ा शिवपुर ट्रामडीपुर में, तमाम जितने सारे लोग हैं सभी लोगों ने, यहाँ तक कि हमारे हिंदू भाई भी आए थे और हम लोगों का वो साथ दिए। और प्रोटेस्ट हम लोगों ने ये दिखाया, हम लोगों ने निंदा दिखाया कि नुपुर शर्मा और ये जो जिंदल जी हैं बहुत ख़राब काम किए हैं, और इसका हम लोग जल्द से जल्द चाहते हैं कि हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इसके ऊपर एक्शन ले और उन्हें आप अरेस्ट करें। अगर नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं होती है तो मुसलमानों का अमल क्या होगा? मुसलमान इसी तरह एहतियात करते रहेंगे, आगे भी इंशाल्लाह जब भी ऐसा कोई सोचे उसके सोच को हम लोग दबाने की कोई पूरी कोशिश करेंगे। सरफराज ने जो कहा बस वही, उससे सहमति है। हम लोग जितना चाहेंगे प्रोटेस्ट करेंगे जब तक उसको सज़ा ना मिलती।